नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल फूड टिप बाय फूड टेक। वेलकम टू द सीरीज ऑफ फूड टिप शॉर्ट्स। तो आज का हम लोग का जो वीडियो है, इट्स अबाउट द वन कॉमन इंग्रेडिएंट व्हिच वी यूज इन अवर क्यूजिंस, बट उसको हम लोग ने बहुत ज़्यादा निगलेक्ट करके रखा है। मतलब खाने में भी अगर आए तो हम लोग उसको ऐसे निकाल के साइड में रख देते। तो कैन यू थिंक फॉर 2 सेकेंड वो कौन सा इंग्रेडिएंट है? अगर ये 2 सेकेंड में मैं नाम प्रोनाउंस करने से पहले आपको याद आया तो कमेंट में लिख के भेजिए मुझे। ओके, सो दैट इंग्रेडिएंट इज करी लीव्स। ओके, सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी हाउ मच इम्पॉर्टेंट करी लीव्स आर देयर इन अवर डाइट और कितने न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स है उसके। ओके, सो इफ यू सी द न्यूट्रिशनल कंटेंट ऑफ द करी लीव्स, दे आर वेरी रिच इन आयरन, मैग्नीशियम, मोस्ट काइंड ऑफ ऑल द मिनरल्स। करी लीव्स ऑल्सो कंटेन अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ कैल्शियम। जितना आप दूध पीने से आपको कैल्शियम मिलता है, उससे कहीं ज़्यादा कैल्शियम आपको करी लीव्स खाने से मिल सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि करी लीव्स हम लोग क्या करते हैं, 2-3 करी लीव्स डालते हैं अपने क्यूजिन में और वो भी निकाल देते हैं जब भी खाने में आते हैं तो। लेकिन इफ़ यू सी कंपेयर द 100 grams ऑफ करी लीव्स एंड 100 grams ऑफ मिल्क, द करी लीव्स विल गिव यू अ मोर अमाउंट ऑफ कैल्शियम। लेकिन होता क्या है, हम लोग 100 grams करी लीव्स नहीं खाएंगे, थोड़े बहुत खाते हैं हम लोग। सो वॉट वी कैन डू, वी कैन यूज द करी लीव्स चटनी इन अवर डाइट रेगुलरली। जैसे हम लोग नारियल की चटनी बनाते हैं, जिसके अंदर हम लोग कोरिएंडर डालते हैं, देन वी पुट अ लिटिल बिट ऑफ चिली, तो उसके साथ आप क्या कर सकते हैं, उसके साथ आप बहुत सारा करी लीव्स डाल सकते हैं। या तो फिर आप ड्राई चटनी बना सकते हैं विद द पीनट्स एंड यू कैन स्टोर इट फॉर अ लॉन्ग डेज, और रोज आप खाना खाते वक्त ये चटनी आपके डाइट भी ले सकते हैं। दिस विल गिव यू लॉट ऑफ कैल्शियम, आयरन एज वेल एज द ऑल मिनरल्स। चलिए मैं अभी आपको एक क्विकली करी लीव्स की चटनी की रेसिपी बताती हूँ। यहाँ पे मैंने बहुत सारा करी लीव्स लिया है और वो अच्छे से धो के लिया है मैंने, और कोकोनट है, ग्रेटेड कोकोनट, ऑलमोस्ट हाफ कोकोनट मैंने लिया है, चिली है और सॉल्ट है, वो आपके टेस्ट के हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं, जीरा है फ्लेवर के लिए, और ये है मेरा एक सीक्रेट इन्ग्रीडियंट, दैट इज़ मनुका किशमिश। इसकी वजह से क्या होता है, एक हल्का सा स्वीटनेस और फ्लेवर आ जाता है चटनी को, और खट्टा मिट्टा फ्लेवर आ जाता है। अभी आपको ये सब इंग्रेडिएंट मिक्स करने हैं और ग्राइंड करने हैं। पानी बिल्कुल नहीं डाला इसमें, जितना नेचुरल वाटर है उतना ही वाटर इसमें रहेगा, एडिशनल वाटर नहीं डालना है। देखिए, ये ग्राइंड करने के बाद आपको ये ऐसा टेक्स्चर मिल जाएगा, और आप देखेंगे कि ये हल्का सा ड्राई है चटनी, ये बिल्कुल गीला चटनी नहीं है और इसमें पानी नहीं बिल्कुल डाला है मैंने। दिस चटनी इज पावर पैक विद कैल्शियम, आयरन, मैंगनीज, फाइबर, विटामिन ए, सो प्लीज हैव दिस चटनी डेली इन योर डाइट। सो होप दिस वीडियो इज नॉलेजेबल फॉर यू। सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर नॉलेजेबल वीडियो। थैंक यू।